इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। राजसमंद की खमनोर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध पिस्टल और कारतूस के साथ तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक मोटरसाइकिल और दो चोरी की कारें भी बरामद की गई है। फिलहाल पकड़े गए बदमाशों से पुलिस की पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि इस पूरी कार्रवाई को नाथद्वारा DYSP दिनेश सुखवाल के सुपरविजन में की गई है। कार्रवाई को लेकर खमनोर थाना अधिकारी भवानी शंकर ने बताया कि तीनों बदमाशों के थाना इलाके में होने की सूचना मिली थी, जिस पर इन तीनों बदमाशों को तत्काल दबोच लिया गया। पकड़े गए तीनों बदमाशों का नाम विक्रम, पारस और जितेंद्र है। थानाधिकारी ने बताया कि बदमाश विक्रम रेबाड़ी के बड़े भाई जगदीश रेबाड़ी ने पारस जैन, विक्रम और जितेंद्र को फोर व्हीलर वाहन चोरी करके लाने को कहा और एक पिस्टल दी, जिस पर तीनों बदमाश पिछले कुछ दिनों से खमनोर, केलवाड़ा तथा नाथद्वारा से इधर उधर घूम रहे थे और फोर व्हीलर वाहन चोरी करने की फिराक में थे। बदमाश पारस जैन कुछ दिनों पहले ही दिल्ली से नाथद्वारा आया और नाथद्वारा में ही एक होटल पर रुका हुआ था, जहां पर तीनों बदमाश अक्सर मिलते रहते थे और वाहनों से चोरी करने के लिए चित्तौड़गढ़, गंगरार, जोगनिया, माताजी, मावली, फतेहनगर, कपासन व उदयपुर में सबीना तथा जयपुर आदि जगहों पर भी गए थे और जयपुर में मौका देखकर एक मारुति जैन कार को चोरी कर सायो का खेड़ा लेकर आए और उदयपुर के सबीना से भी एक बोलेरो कैंपर कार को चोरी करके लेकर आए। बदमाश विक्रम रेबारी अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से अन्य साथियों के साथ घूमता रहा है। वह सुनसान जगहों पर खड़े वाहनों को अन्य चाबियों से खोलने का मास्टरमाइंड है।